पे एक्शन होगा। और पाकिस्तान के लिए इस समय बहुत ही बेकार समय है, क्योंकि कभी भी एयर स्ट्राइक होगा जरूर, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ था तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उनके घर में मारा गया था। अब की बात सीधा लाहौर में जाके मारेंगे, बिल्कुल बराबर से लिया जाएगा। ये क्या है पाकिस्तान, सुई को नोक जितना है, बिल्कुल इसमें है ही क्या। एक बार मुझे लग रहा है गिराने की जरूरत है, उसके बाद सब समाप्त है यहाँ पे। तो दोहरी चाल है ना, ये बातचीत से सुधरने वाले कहाँ है पाकिस्तान। राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव, इनको तो बोलने तक की तमीज नहीं है, तो मोदी को गाली देते हैं। ये तो देश का दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि अखिलेश अरे मुख्यमंत्री बन गए थे। बाकी योगी और अखिलेश में तो इतना अंतर है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, 370 हट गया फिर भी इस तरह के हमले हो जाए। मैं उन्हीं लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताओ, 2014 से पहले जब कांग्रेस थी तब वहाँ पे यहाँ पे हमारे दिल्ली में लेके हमारे पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं होता रहता था बॉम्ब ब्लास्ट, तब ये लोग सवाल क्यों नहीं पूछते थे। ये तो कह रहे हैं 3 बार हुई है, यहाँ पे दिन में 30 बार होता था बॉम्ब के, हमेशा अलर्ट होता था कि भैया कहीं भी बम फट सकता है, ठीक है ना। अभी तो वहाँ पे हुआ है, एक बार बताता हूँ, इस पर एक्शन होगा। और पाकिस्तान के लिए इस समय बहुत ही बेकार समय है, क्योंकि कभी भी एयर स्ट्राइक होगा जरूर, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ था तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उनके घर में मारा गया था। अब की बात सीधा लाहौर में जाके मारेंगे, पूरा अंदर जाके मारेंगे, छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी सरकार है। पहले क्या होता था कांग्रेस में जो है ना, डरते थे, यहाँ तक कि उनको जब तक क्या कहते हैं कांग्रेस वाले नहीं बोलते थे, जब सरकार नहीं बोलती थी कि भैया गोली चला, तब तक चला नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है, जितना मर्जी गोली मार सकते हो मारो, ये मोदी सरकार है तो एक्शन तो होगा। नहीं, लेकिन आरोप लग रहा है ना कि सरकार बोलती थी कि 370 हट गया तो बहुत कुछ बदल गया, आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन खत्म कहाँ हुआ, अभी भी तो हो रहा है ना वो चीज़ें। सर 10 साल के अंदर में एक बात बताइए, वहाँ पे पत्थर मारते थे जवानों को, कम से कम वो बंद हो गया, ठीक है ना। और वहाँ पे सेफ्टी है, लोग जाके वहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो बात रही वहाँ पे हमारे जवान खड़े हैं और पाकिस्तानी लोग हैं, तो वहाँ पे गोलीबारी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, लेकिन हाँ इस पर एक्शन होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ पर आतंकवादी इस समय आटे के लिए मर रहे हैं, एक दिन अब पानी के लिए भी मरना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पानी भी क्या कहते हैं इंडिया से ही उनको मिलता है। एक नेता है उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि पाकिस्तान सरकार से बात करना चाहिए, इस मसले का हल वही है, बिना बात के इसका तरीका सॉल्व नहीं करने का तरीका और कुछ नहीं है। क्या बात करके हल निकाला जा सकता है या सीधा हमला होगा? बिल्कुल बात करनी चाहिए, उनके सीधा बात करनी चाहिए, भाई आराम से प्यार से मानोगे तुम्हें कुत्ते की तरह रगड़ने, बिल्कुल है ना। एयर स्ट्राइक एक बार किया तुम नहीं माने, अब की बार तुम्हें ढंग से तेल लगा के रगड़ेंगे, ठीक है ना। तो बात करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है कि अब की बार इनको सही से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास खाने की रोटी है नहीं, ठीक है ना, और तुम गोलियां बंदूक कैसे खरीदे हो तो हमें पता ही है, दूसरे भीख मांग मांगे कर रहे हो तुम लोग, है ना, चाइना से ले लेके। लेकिन हमारा नुकसान तो कर रहे हैं ना, जैसे भी वो भूखे हो नंगे हो मर रहे हो, लेकिन हमारा 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, एक सैनिक शहीद हो गया, तो सवाल तो बनता है चाहे वो जैसे रहे। सर ये तो बहुत दुखद बात है, ये तो कंफर्म है। लेकिन हाँ एक बात मैं जानता हूँ, बीजेपी सरकार में अगर किसी ने बाहर से अटैक किया है तो आज तक चुप नहीं हुए हैं, इसका एक्शन जरूर लिया जाएगा और पूरा बदला लिया जाएगा। उम्मीद है कि इसका भी बदला लिया जाएगा, बिल्कुल बदला लिया जाएगा, पूरा टक्कर से बिल्कुल बराबर से लिया जाएगा। ये क्या है पाकिस्तान, सुई को नोक जितना है, बिल्कुल इसमें है ही क्या। एक बार मुझे लग रहा है गिराने की जरूरत है, उसके बाद सब समाप्त है यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? राजेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चित्रकूट। सर वैष्णो देवी की आपने घटना देखी होगी, वो बस जा रही थी उस पर हमला हुआ और बस खाई में चली गई, उसके बाद 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, करीब 48-40 उसमें अभी भी भर्ती अस्पताल में, एक सैनिक भी शहीद हो गए। जनता कैसे सोचती है और क्या देखती है इस चीज़ को? नहीं तो ये घटना तो इससे दुखद है और सभी दुख में हैं, लेकिन अभी घटनाएँ हैं थोड़ा बहुत हो ही जाती हैं। अब इन घटनाओं पर तो खैर काफ़ी कम हुआ है, इधर जब से मोदी सरकार आई है तो काफ़ी कम हुआ है, और सरकार का काम काज तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा बहुत घटनाएं तो हो ही जाती हैं, घटना वैसे दुखी थे, माने ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हो गया तो क्या करेंगे, उस पर भी सरकार पहल कर रही है और मजबूती से। घटनाएं होती है, हथियार यूएस का होता है, आदमी पाकिस्तान का होता है और जगह हिंदुस्तान का होता है, ये कैसे संभव हो जाता है सर हिंदुस्तान में? अब जो हथियार जब्त हुए हैं वो यूएस का है और आदमी जो है कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान के लोग हैं, और आपको पता है वैष्णो देवी यात्रा अपने देश में होता है, तो ये कैसे? अब ये घुसपैठी है, देखिए हो सकता है ये माने सहयोग उसमें अमेरिका का हो पाकिस्तान की तरफ से, तब तो ऐसा हो गया। वहाँ के नेता है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जाएगी समस्या का हल नहीं निकलेगा। क्या बातचीत से ही निकलेगा? नहीं नहीं, बातचीत तो होने नहीं चाहिए, बातचीत से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा, बातचीत तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बातचीत से कहाँ समस्या हल हुई है, जब जब बातचीत हुई है तब तब समस्या और बढ़ी है, बातचीत से और समस्या ही बढ़ा है। और क्या, कहाँ बातचीत से समस्या आज तक हल हुई है? अब वो देखिए, वो तो पीएम मोदी को बधाई दिए उस दिन, जिस दिन वो जो है प्रधानमंत्री पद का
कार्यभार संभाला और उसी दिन ये घटनाएं हो गई। हाँ हाँ गलत हुआ है, बहुत गलत। इधर शपथ ले रहे हैं उधर इस तरह की घटनाएं हो जाती है, वो बधाई भी दे रहे हैं, तो ये कर क्या रहे, ये तो दोहरी चाल है ना। ये बातचीत से सुधरने वाले कहाँ हैं पाकिस्तान, बातचीत तो कई बार हुई। तो कहते हैं कि जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी चाहे कोई भी सरकार आ जाए। नहीं नहीं बातचीत से नहीं, उनके ईंट का जवाब पत्थर से जब देंगे तब ये सुधरेंगे, हाँ तब मानेंगे। और क्या कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, क्या बदला है सर? काफ़ी बदलाव हुआ है, 370 हटने से काफ़ी बदलाव हुआ है। अब चुटपुट घटनाएं तो हर जगह भी हो जाती, कहीं भी हो सकती हैं, हैं कहीं भी हो सकती है। क्या बदला है जैसे मोदी जी के आने के बाद देश में क्या बदलाव देख रही जनता? मोदी जी के आने के बाद तो बहुत बदलाव हुआ, इतना बदलाव हुआ है मैं तो कहता हूँ, मैं जिस जगह से हूँ वहाँ तो इतना भ्रष्ट प्रदेश आ रहा है उत्तर प्रदेश, इतना चोरी डकैती लूटपाट सब कुछ, लेकिन जब से मोदी जी आए इतना विकास हुआ, रोड़े एकदम झकास रोड़े बन गई और सबको जो है मुफ्त में राशन मिल रहा है, सब हर घर फ्री सिलेंडर मिला, हर घर बिजली मिली, जिस गांव में कभी कल्पना नहीं की गई थी बिजली की उस गांव में बिजली पहुंची, उस गांव में रोड पहुंची, अब क्या चाहिए, कितना विकास हुआ, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को सम्मान मिल रहा है, फ्री बीज मिल रहा है, अब क्या चाहिए, इसके पहले तो कभी कुछ नहीं मिलता था, तो 10 साल में तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी बोलते हैं कि पीएम मोदी कमजोर है, मणिपुर और जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं करते हो। राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव इनको तो बोलने तक की तमीज नहीं है, तो मोदी को गाली देते हैं, हैं इनको बोलने तक की तमीज नहीं है, ये तो पहले बोलना सीखे। मुझे तो लगता है एक तो प्रधान बनने की, एक तो वार्ड मेंबर बनने की इनमें योग्यता नहीं है, प्रधानमंत्री का सपना गए और प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, ये तो देश का दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि अखिलेश अरे मुख्यमंत्री बन गए थे। बाकी योगी और अखिलेश में तो इतना अंतर है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, योगी इतने महान पुरुषा हैं, वो तो भगवान के अवतार है, मेरे हिसाब से तो हनुमान के अवतार है, उनके जैसा मुख्यमंत्री यूपी में ना कोई आया है ना आएगा, आने वाले 100 साल तक ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा योगी जैसे आने वाले 100 साल तक। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार, बनारस काशी। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।